इधर डिजिटल अरेस्ट को लेकर बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का इस बाबत गठन किया है। स्पेशल सेक्रेटरी होंगे समिति के प्रमुख। पिछले कई दिनों से आ रही है डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़ा और एहतियातन कदम उठाया। डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इधर डिजिटल अरेस्ट पर लगाम लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय ने इस बाबत बड़ा फैसला लिया है। एमएचए ने गठित की है इस बाबत हाई लेवल मीटिंग। तो एमएचए ने इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी रहे कमेटी को मॉनिटर डिजिटल अरेस्ट के रोकथाम के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जाएगा। एमएचए के 14 सी विंग ने, यानी कि 14 सी विंग ने सभी राज्यों के पुलिस से संपर्क किया है। एमएचए ने इस पर तमाम निर्देश दिए हैं। घटनाओं पर तत्काल एक्शन के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि डिजिटल अरेस्ट ना फैल पाए। देखिए, आपको याद होगा कि इस बार जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल अरेस्ट को लेकर समझाइश देते नजर आए थे। कह रहे थे कि ये फ्रॉड से आपको बचना होगा। और देखिए, इसी को लेकर अब बकायदा गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है।